बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मैं आपके लिए जो रेसिपी लेके आई हूँ वो बहुत ही ज़बरदस्त मिठाई बनाने की रेसिपी है। ये मिठाई मैंने बहुत ही कम दामों में बनाई है और बहुत ही मज़े और जल्दी बनाई है, वो भी बिना गैस जलाए। तो हमें इस मिठाई को बनाने के लिए नारियल का बूरा लेना है। ये मैंने 250 ग्राम नारियल का बूरा लिया है। एक प्याली चीनी ली है पीसी हुई। तो हम क्या करेंगे, नारियल के बूरे को एक बड़े बर्तन में ऐड करेंगे। इसके बाद हम क्या करेंगे, एक प्याली चीनी ली है, इसको मैंने मिक्सी की जार में पीस लिया है, ये भी ऐड करेंगे। अब हम क्या करेंगे, एक प्याला मिल्क पाउडर ऐड करेंगे। अब इसके अंदर हमें दूध ऐड करना है। दूध आप चम्मच से ऐड कीजिएगा, एक साथ में ऐड नहीं करना है, नहीं तो ये पतला हो जाएगा। हमें थोड़ा थोड़ा दूध ऐड करना है। तो ये देखिए, मैंने इसके अंदर थोड़ा थोड़ा दूध ऐड करके एक इसका डो बनाना है। तो ये इस तरीके से बनके तैयार हुआ है। अच्छे से मिक्स करते जाएंगे और देखिए इस तरीके से ये बनके तैयार होगा। ये देखिए हमारे मिक्स हो चुका है, अच्छे से डो बनके तैयार हो चुका है। ये देखिए इस तरीके से अच्छे से बनके डो बनके तैयार हो गया। अब हम इसके क्या करेंगे, गोल गोल बॉल्स बनाएंगे। पहले हम इसको अच्छे से और इसके थोड़े बड़े ही बॉल्स बनाने हैं इस तरीके से, और इसको थोड़ा सा हाथों से दबा देंगे। इसी तरीके से हमें सारे बनाने हैं। आप चाहे तो इसके बॉल्स भी बना सकते हैं। ये देखिए इस तरीके से, ये बहुत ही महंगी मिठाई और कुछ ही दामों में बनके तैयार होने वाली है और बिना गैस जलाए। ना इसके अंदर मावे की ज़रूरत, ना ही दूध की ज़रूरत, बहुत ही जल्दी बन जाने वाली मिठाई है। ये देखिए इस तरीके से हम रखेंगे। तो सारा मैंने बना लिया है इस तरीके से। अब हम क्या करेंगे, एक प्याली लेंगे और जो मैंने ये बादाम और काजू का इसे मिक्सी की जार में मैंने इसको दरदरा कूट लिया है। अब हमें क्या करना है, एक 2 टीस्पून जितना दूध लेना है उसके अंदर फ्रूट कलर ऐड करना है और इसके अंदर मिक्स कर लेना है। ये देखिए इस तरीके से इसको मिक्स कर लिया है हमने। अब हम क्या करेंगे, इस पार्टी को इस तरीके से फैलाएंगे, थोड़ा इस तरीके से इसको फैला लेना है हाथों से। और थोड़ा थोड़ा मिक्सर जो हमने काजू बादाम का बनाया है वो इसके अंदर ऐड करेंगे और इसको अच्छे से फोल्ड कर देंगे, बंद कर देंगे। ये देखिए इस तरीके से। हल्के हल्के हाथों से ही करना है, इसे ज़्यादा दबा के नहीं करना है। हम फिर से लेंगे और इसी तरीके से फिर इसके ऊपर फिलिंग रखेंगे काजू बादाम की। इस तरीके से
ये देखिए इस तरीके से हल्का हल्का फिर से दबाएंगे और इसी तरीके से हमें क्या करना है, साड़ी बना लेनी है। ये देखिए इस तरीके से मैंने साड़ी बना ली है। अब हम क्या करेंगे, इसके ऊपर जो चांदी का वर्क होता है वो लगाएंगे। ये इससे इसकी मिठाई की बहुत अच्छा लुक आएगा। मैं इसको इसके अंदर ही रख दूंगी ताकि ये हम जो लगाए ये बर हटे नहीं और ये पूरा एक तब समेट जाता है, इसलिए इसको इस तरीके से लगाना बहुत ही आसान तरीका है। आप इसी को इसके अंदर रख दें और इसको अच्छे से फोल्ड कर लें ये इस तरीके से। देखिए कितना आसान तरीका है। अब मैं इसके ऊपर काजू के रेशे लगा रही हूँ। इसके ऊपर हमें काजू बादाम के टुकड़े भी रख सकते हैं आप। और मैं इसके ऊपर केसर के रेशे लगा रही हूँ और चेरी है मेरे पास, मैंने चेरी को इस तरीके से काट के इसके ऊपर लगाया है। तो ये हमारी मिठाई बनके तैयार हो गई है। तो आपको आज का वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो देखिए हम मिठाई को आपको काट के बता रहे हैं इस तरीके से। तो ये देखिए हमारी इतनी महंगी मिठाई बनके तैयार है। जब आप मेहमानों को खिलाएंगे तो पूछेंगे कैसे बनाया घर पर, तो बहुत ही आसान तरीके से और जल्दी बन जाने वाली है। तो आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और मेरे चैनल पे नए हैं तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर करें और इसे प्लीज़ फुल वॉच करें और इसका फीडबैक ज़रूर बताइएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।